मतलब डॉक्टर साहब के प्रति काफी नाराजी दिखा रहे जनता, इसमें क्या प्रतिक्रिया रहेंगे आपका? देखिए लोग अपनों से ही नाराज होते हैं, हो पाएगी काफी मतों से। पिछले बार तो बहुत कम मार्जिन से जीते थे, लगभग 37,000 के मार्जिन से जीते थे, और इस बार हम समझते हैं कि लगभग 6,00,000, तो इसलिए सारे विधायक भी लगे हुए हैं। रुकनुद्दीन साहब हैं, सऊद साहब हैं, इजहार एसपी साहब हैं, XML आपका वो सुभान साहब हैं, हाजी सुभान साहब आपका। ये क्या है? देखिए ये विरोधियों द्वारा फैलाया हुआ ये मतलब प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्षेत्र भी घूमते थे और काम भी बहुत अच्छा किए हैं। अगर आप नमस्कार आदाब सलाम अलैकुम, मैं हूं मंसूर आलम, आप देख रहे हैं दोस्तों। बता दो कि RJD विधायक अंजार रवि साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और मैं इनसे पूछूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के फील्ड में घूम रहे हैं तो मैं इनसे प्रतिक्रिया लूंगा कि क्या आबो हवा है, सारा कुछ मिलकर के आगे चलो, क्योंकि सवाल पूछना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से घमासान मचा हुआ इस वक्त। सर स्वागत है मेरे चैनल। शुक्रिया, आपके व्यूअर्स का भी शुक्रिया। और जिस प्रकार से आप घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपकी पार्टी, आपके उम्मीदवार जो है डॉक्टर जावेद करेंगे और काफी मार्जिन से जीतेंगे? कुछ लोगों का तो हम समझते हैं जमानत भी नहीं बचेगा, ये स्थिति है आजकल। जिस प्रकार से जगह में जा रहे हैं डॉक्टर जावेद साहब, कुछ लोग ग्रामीण आक्रोश जना की जगह पूरे बिहार का, तो पूरे बिहार का कंपेरिजन में अगर आप ये कीजिएगा तो किशनगंज में लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क हो चाहे पुल पुलिया हो, सबसे ज्यादा किशनगंज में लेके आया है। और हमने देखा उनका कि 174 बार लोकसभा में क्वेश्चन किए हैं वो, और बहुत अच्छी बात रखे हैं, अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखे हैं। लेकिन लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बात नहीं करते हैं, क्षेत्र नहीं घूमते हैं, ये तो आप लोगों को भी, विरोधियों को क्या कहिएगा, लेकिन लोग आज उनके साथ हैं। सारे लोग, हम लोग लगे हुए हैं, 5-5 विधायक हैं आज पूरे विधान, सारे लोग लगे हैं, यही किशनगंज ही नहीं, हम समझते हैं कि सीमांचल के सभी सीट गठबंधन को जा रहा है। एकदम श्योर है। और अच्छा अच्छा, आखिर लोगों का ये भी आरोप है कि जीतने के बाद 5 साल गायब हो जाता है, ये बात कहाँ पे सत्य? देखिए आप लोगों का घर घर तो जा नहीं सकते हैं, जो लोग आप जैसे वो टेरा गाचा है, जितने लोगों आमने सामने हुए मुलाकात हुई वो तो देखेंगे, वो आते हैं, क्षेत्र भ्रमण भी करते हैं, आए हैं, हम तो 2-3 बार आए हैं उनके साथ शिलान्यास करने के लिए, लोग आते हैं। अब ये है कि आप लोग घर घर मेंबर और मुखिया के तरह घर घर जाएं, ये संभव नहीं है। फिर वो CWC के मेंबर भी हैं, उनको पार्टी में भी समय देना पड़ता है, जगह कहीं इलेक्शन होता है और स्टेट में जाना पड़ता है, तो वक्त की कमी है। और जहाँ तक हर मामले में हम लोग समझते हैं काफी अच्छा है, काम भी कर रहे हैं। ये विरोधियों द्वारा फैलाया गया ये समझ एक तरह से प्रोपेगेंडा है, इसलिए इन बातों पर पब्लिक ध्यान नहीं दे रही है। लोगों का एक ही ये है, वो राहुल गांधी को देख रहे हैं, राहुल गांधी को देख करके, खड़गे जी को देख करके, सोनिया जी को, प्रियंका जी को देख करके ये लोग काम कर रहे हैं। ऊपर में तेजस्वी जी हैं बिहार लेवल पर, तेजस्वी जी को देख करके ये लोग यहाँ वोट कर रहे हैं। देखिए ये थे विधायक जी, बहुत अच्छा इन्होंने बात कही है। और डॉक्टर जावेद के बारे में मैंने इनसे सवाल पूछा, कई सवाल, उन्होंने बताया कि हर एक घर में जा नहीं सकते, तो ये बात सत्य है कि हर एक घर में जा नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोग नाराज तो है बट इसका कुछ पता नहीं चल रहा है, तो क्या मामला है? बात कोशिश करेंगे हम लोग डॉक्टर जावेद के साथ भी बात करने का, और आएंगे अगर दौरा में तो आपको बात करके आप लोगों तक जानकारी देंगे। जय हिंद बंधु भाई। क्या मुखिया जी, क्या लग रहा है आपको कि जिस प्रकार से आप लोग घूम रहे, प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं, जगह जगह में जा रहे हैं, और एक तरफ 2019 का इलेक्शन में जो है लोग अपना जान करके इनको वोट दिए और इनको जिताए, लोग नाराज थे, नाराजगी दूर हो गई है, लोग अब एक प्लेटफॉर्म में आ गए हैं, इनका अपार वोट होगा। हमको लगता है कि 6,00,000 जो विधायक जी बोले हैं, इंशाल्लाह 6,00,000 का ये टारगेट पूरा करेंगे। लोगों का ये भी कहना है कि जीतने के बाद नजर नहीं आते हैं फील्ड में, या और किसी, कोई भी लोग अगर फोन करते हैं सही प्रकार से भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, अब शब्द का प्रयोग करते हैं, इडियट वगैरह बोलते हैं, इसमें कहां तक? देखिए ये तो बात आप बोल रहे हैं, हम लोगों ने भी सुना था, लेकिन जो आदमी के साथ उनका मुवायसा हुआ था वो लोग अभी उनके साथ है, आखिर उनसे माफी भी मांगे होंगे जरूर, या अपना गलती उनसे बयान किए होंगे, वो माफ करके उनके साथ है। लेकिन ये है कि उस दिन वो सभा में बोल रहे थे कि कौन ऐसा आदमी है जो हमको कहें और काम नहीं किए, एक आदमी खड़ा होकर बताइए, कोई आदमी खड़ा नहीं हुआ, आदमी जो भी किया होगा काम तो किए ही है, ऐसा बात तो नहीं है, वो काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, बहुत सारा रोड पुल पुलिया वो सारा चीज लेकर के आए हैं, आगे भी करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो एक बार और उनको मौका दीजिए,
अगर नहीं होगा, फिर वो अगर अपनी गलती को नहीं सुधारते हैं तो दोबारा जो है हम लोग उसको जो है वोटे का बहिष्कार। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, थैंक यू।